हाय फ्रेंड्स, नाइसा विद मॉम में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीरज प्रजापति। आज मैं बनाने जा रही हूँ मट्ठा आलू। ये कैसे बनते हैं? ये इटावा की फेमस डिश है। सब्जियों में से इटावा में मट्ठा आलू बहुत बनता है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ये 500 ग्राम आलू हैं। मैंने यहाँ पे इसको बॉयल करके इसको हाथ से ऐसे मिक्स किया है ताकि ये बहुत महीन टुकड़े में हो जाए। इसको हमें कट नहीं करना है चाकू से, हाथ से इसको मिक्स करना है ऐसे करके, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम छाछ ली है अमूल की। आप चाहें तो कैसी भी छाछ ले सकते हैं। 500 ग्राम छाछ ली है मैंने। यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक चम्मच जीरा लिया है। यहाँ पे मैंने दो तीन हरी मिर्च को कट किया है, कड़ी पत्ता है ये जो मीठा नीम, और मैंने धनिया की पत्ती ली है। यहाँ पे मैं दो चम्मच मैंने बेसन लिया है। इसको हम अभी कढ़ाई में इसको अच्छे से भून लेंगे, फिर इसको निकाल के फिर इसको डाल, गर्म हो चुका। अब हम इस बेसन को इसमें डाल देंगे और अच्छे से इस तरह से भून लेंगे। ये बेसन एक मिनट लगा हमें भूनने में, आधा मिनट। अब हम इसको निकाल लेंगे इस प्लेट में इस तरह से। मैंने यहाँ पे ये आधी करछी ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल, इतनी सब्जी बनाने में। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले जीरा डालेंगे। अभी एक चम्मच जीरा है ये। अब हम कड़ी पत्ता डालेंगे। अब ये हरी मिर्च डाल देंगे। अब ये हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से एक मिनट चलाएंगे। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब हमको अच्छे से हमने चला लिया है। अब हमको गैस का फ्लेम लो कर देना है। अब हम इसमें ये बड़ा कप है, एक कप पानी ऐड करेंगे। अब ये जो हमने छाछ ली है इसको ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से चलाना है। अब ये हमने बेसन को भूना था, ये एक चम्मच पानी डाल के हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। ये मट्ठा आलू हमको इस तरह से चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आने लगे, नहीं तो ये फट जाएगा। हमको करीब 10 मिनट चलाना है इसको। जब इसमें उबाल आने लगे तब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे मट्ठे आलू में उबाल आने लगा। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। आप लोग स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। हमें इसमें ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है हमारा मट्ठा आलू। आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुका, हमारे मट्ठा आलू बन के रेडी हैं। अब हम गैस को बंद होंगे बंद कर देंगे। हमने ये मीडियम फ्लेम पे बनाया है। देखिए, ये देखिए, मैंने गैस को बंद कर दिया। अब जो धनिया की पत्ती है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बनाना हमारा मट्ठा आलू बहुत ज़बरदस्त। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और हमको लाइक कर सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।